हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉलेज फ्रॉम आरपी में। मैं रोहित पांडे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मैंने ये करंट अफेयर्स इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हमें DRDO युवा विकास कल्याण अधिकारी और साथ में सुप्रीम कोर्ट की आने वाली परीक्षाएं हैं और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए। ये ISPCS के लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि ISPCS में बहुत ज़्यादा डीप में बहुत ज़्यादा योजनाओं वगैरह के बारे में आता है, इसमें वो सब कुछ नहीं होगा। इसमें बस आपको इन सभी एग्जाम्स से रिलेटेड और वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के उनको ही देखा जाएगा और पाँच पाँच दिन के जो है एक एक वीडियो आएंगे। जैसे इस वीडियो में हम 1 जुलाई से 5 जुलाई तक देखेंगे और मैं आपको ये एकदम यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं अच्छे से एक दो बार तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ रखने की जरूरत नहीं है आपको। और आप जैसे ही परीक्षा हॉल में जाएंगे आपको सामने पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप तुरंत उसका आंसर टिक कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। 1 जुलाई 2018 से 1 जुलाई 2018 को 9th हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था। तो मिशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड जो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये होता है कि भारत के जो राजदूत, डिप्लोमेट और फिर जो ऑफिसर्स विदेशों में किसी मिशन पे या किसी चीज़ पर पोस्टेड है उन लोगों की ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती है। तो इस साल जो है 9th जो है कॉन्फ्रेंस थी ये, और ये एनुअल होती है। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो किया था मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 9th हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो वो न्यू दिल्ली में हुई। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है कि उसकी उसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ, तो वो हुआ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज के द्वारा। कब हुआ, 1 जुलाई 2018 को हुआ। और इस पर चर्चा किस बात में की गई, इस पर देखिए इन लोगों को ये जो तीन दिन की ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें जनरली सब्जेक्ट था हमारा जो सैंक्शन इम्पोज्ड हुआ है उस पर इंडिया का क्या वो होगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है अमेरिका ने रसिया और ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं और फिर चाइना की जो नई इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसी आई है उसके ऊपर। और साथ में हम इंडिया में मेक इन इंडिया और जो है हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बाहर के लोगों के लिए उसको कैसे और भी ज़्यादा एलोबरेट कर सकते हैं और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। इसका जो थीम था, थीम वगैरह अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका थीम जो था वो था अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच अनपैरलर्ड आउटकम्स। तो इसमें आउटरीच आउटकम्स आप ऐसे रख लीजिए, इसको मतलब रख लीजिए, मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। तो जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये इसका आंसर ये होगा। इसमें जो है पार्टिसिपेशन कौन किया, ऑल इंडिया एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर डेलीब्रेटेड टू इंडिया की फॉरन पॉलिसी इशूज एंड गोल्स। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कंटेंट इंग्लिश में रखा है लेकिन मैं समझा हिंदी में रहा हूँ ताकि दोनों जो भाषा के लोग हैं, जैसे बहुत सारे साउथ इंडियंस मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको हिंदी नहीं आती और बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो इसीलिए मैं दोनों को लेकर साथ में चल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अलग अलग वीडियो बनाने बैठ जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो ये थी इसके कुछ कॉमन की फीचर्स। तो बाकी ये सब आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये सब कोई खास चीज़ें नहीं है और इतना ज़्यादा डीप में कोई चीज़ आएगा भी नहीं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर्स में चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एंजोलाई एला मेनन। ये एक पेंटर हैं जो कि पेंटिंग करती हैं जैसे एम.एफ. हुसैन वगैरह करते थे। इनको कालिदास सम्मान दिया गया है विजुअल आर्ट के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हर साल कालिदास सम्मान देती है लोगों को। तो ये अगर आप एमपी के कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एमपी जैसे सिविल सर्विस परीक्षाएं होती हैं, एमपी के कुछ स्टेट लेवल्स के परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन होते हैं उसके लिए, बाकी ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर ये देखे रहेंगे तो आपको वहाँ याद आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने उनकी जो पेंटिंग का जो मेन मोटो होता था वो स्पिरिट ऑफ वुमेन दिखाती थी मीनिंगफुल पेंटिंग्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरह के एग्जाम्स के लिए। मुंबई में जो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको बिल्डिंग्स, ये दो बिल्डिंग्स मतलब हैं वहाँ पर, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में क्या 1 जुलाई 2000 उसको ये न्यूज़ आई थी कि यूनेस्को द्वारा 4 नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं जिसमें एक नागासाकी में है, एक ईरान में है और एक साउथ कोरिया में है और एक ये जो अपना मुंबई का है। मुंबई में अब 3 जो है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन है। पहला आपका एलिफेंटा केव्स है जो कि समुद्र के बीच में पड़ता है अरेबियन सी में, और दूसरा आपका है जो आपका रावण मूवी में आपने स्टेशन, रेलवे स्टेशन देखा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो गिरते हुए दिखाया गया था, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। और ये तीसरा है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये इन अ डबल चेयर ऑफ इंडिया टू बिल्डिंग क्लस्टर, मतलब ये दो बिल्डिंग का क्लस्टर है, इसको विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो है मुंबई में है। इसको
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है। और इससे पहले देखिए, जो मैंने आपको बताया कि एलिफेंटा केव्स और मैजेस्टी विक्टोरिया टर्मिनस, ये जो था वो पहले से ही 1987 और 2004 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि एलिफेंटा केव 1987 और 2004 में ये आपका रेलवे स्टेशन जो है उसको यूनाइटेड नेशंस हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया, उसकी जो लिस्ट होती है। और ये वो बिल्डिंग है जिसको शामिल किया गया है, आप इसका इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। और फिलहाल इस बिल्डिंग में ओल्ड सेक्रेटरिएट, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कम्युनिकेशन हाउस, दी बॉम्बे हाई कोर्ट, पैसिफिक सॉरी पब्लिक वर्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ वॉटसन होटल और डेविड ससून लाइब्रेरी एंड एलिस्टाइन कॉलेज, इतनी ढेर सारी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हैं या फिर थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप एकदम अपने दिमाग में ये दो दो नाम है, विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको। और भी मैं आपको कुल यूनेस्को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमेशा घोषित करती रहती है। भारत की पहली जो सिटी घोषित हुई है वो अहमदाबाद है, आप ये याद रखिए। साथ में टोटल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और पाँच टोटल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है पाँच, जिसमें ये तीन आते हैं और साथ में अजंता और एलोरा की केव्स आती है, जो कि औरंगाबाद की अहमदनगर के आसपास वहाँ पर बॉम्बे में है। उसके बाद अगर आप शहर की बात करें तो मुंबई में तीन है और दिल्ली में भी तीन है। दिल्ली में कौन से तीन है, तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, देखिए एक है कुतुब मीनार जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, दूसरा है लाल किला वो भी आपको पता ही होगा, और तीसरा जो है वो लोगों को जल्दी नहीं पता होता वो है हुमायूं का मकबरा। ये तीन चीज़ें दिल्ली की हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। उसके बाद 1 जुलाई में बस इतनी ही थी, 2 जुलाई की अब हम बात करते हैं। तो 2 जुलाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई पैन कार्ड सर्विस जो है शुरू कर दी है। आप ऑनलाइन अब अपना ई पैन कार्ड जो है अप्लाई करके मंगा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा बस इंडिविजुअल्स के लिए है, किसी कंपनी फॉर्म या फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉटमेंट सर्विस फॉर इंडिविजुअल सीकिंग परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और ये जो फैसिलिटी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसके द्वारा आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है उसकी कि आप आधार होल्डर होने चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए और उसमें आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो आप तभी एप्लीकेशन को अपने प्रोसेस कर पाएंगे या पूरा कर पाएंगे जब आपके मोबाइल पर आधार नंबर जो अटैच है उस पर OTP आएगा। और ये उसका लिंक है, आप इसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको पैन कार्ड पाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। तो ये थी इसकी कुछ चीज़ें। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि पैन कार्ड ई पैन कार्ड सर्विस कब शुरू की गई, ये 2 जुलाई 2018 को शुरू की गई बस, और बाकी इसमें और कुछ नहीं है। पैन कार्ड सबको पता है क्या होता है और परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, और ये आधार से रिलेटेड जो लोग हैं जिनके पास आधार है वो ऐसा कर सकते हैं, और बाकी इसमें कुछ जानने लायक नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गोल्डन ग्लोब रेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है और ये इंटरनेशनल चीज़ है एक तरह से। तो गोल्डन ग्लोब रेस ये हर साल होती है सन 1986 से। तो यहाँ पर इंडिया नेवी जो है कमांडर अभिलाष टोमी की फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और इसमें क्या होता है कि आप पूरे ग्लोब का एक चक्कर लगाते हैं, अकेले नाव में रहते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता है और आपको कोई भी फैसिलिटी भी नहीं दी जाती है, और जो आपकी नाव होती है वो भी पुराने ज़माने के हिसाब से बनाई गई होती है। इमरजेंसी के लिए आपके पास सेटेलाइट फ़ोन होता है लेकिन आप उसे जनरली यूज़ नहीं कर सकते, उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। वैसे फिलहाल हम इनके बारे में जान लेते हैं कि वेल नोन सेलर कमांडर अभिलाष टोमी ऑफ इंडियन नेवी हैज पार्टिसिपेटेड इन हिस्टोरिक गोल्डन ग्लोब रेस। ये जो है एशिया से इकलौते व्यक्ति हैं जिनको इसके लिए इनवाइट किया गया है, जिसमें ये भाग लेने जा रहे हैं। ये आपकी शुरू होगी, कमेंस मतलब होता है कहाँ से शुरू होगी, ये कमेंस शुरू होगी आपकी लेस सबालेस डी ओलोनी हार्बर इन वेस्टर्न फ्रांस, ये वेस्टर्न फ्रांस से शुरू होगी और अप्रैल 2019 में ख़त्म होगी। और इसमें जो रिप्रेजेंटिंग इंडिया, जो मतलब इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंडिया की बनी हुई नाव थुरैया रिपब्लिक रिप्लिका ऑफ 1950 सेलिंग वेसल सुहाइली, मतलब 1950 में एक सेलिंग वेसल बनाई गई थी, एक बोट बनाई गई थी सुहाइली, उसी के मतलब को ध्यान में रखकर उसी के हिसाब से वही फीचर्स वाले एक नई सेलिंग वेसल जो कि थुरैया के नाम से है उस पे से ये सेल करेंगे, पूरे दुनिया का चक्कर काटेंगे। तो ये जो है फिर यहीं पर ख़त्म होगी जहाँ से शुरू होगी अप्रैल 2019 में, मतलब लगभग ये लगभग एक साल से कुछ ही कम होगा समय जो ये समुद्र में बिताएंगे। ही इज़ दी ओनली इन्वाइटी फ्रॉम एशिया, तो मैंने ये आपको पहले बता दिया था। इसमें 18 पार्टिसिपेट्स हैं जिसमें एक आपकी वुमेन सेलर भी
है। उसके बाद कैप्टन जो ये कमांडर अभिलाष टॉमी है, ये इंडिया के पहले कैप्टन है जिन्होंने कंप्लीट पहले भी सोलो ग्लोब का चक्कर लगा चुका है। 2012 और 13 में चक्कर लगा चुके हैं और उस समय इनका सेलिंग वेसल था INSV महादई, ठीक है। एंड हैज कवर्ड, इन्होंने टोटल 53,000 नॉटिकल माइल्स सेलिंग के द्वारा कवर किए थे। और गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोल्डन ग्लोब रेस जो है यूके बेस्ड एक सेलिंग पायनियर सर रॉबिन नॉक्स जॉनसन के द्वारा ये जो है कमोमरेट किया जाता है और ये 50 इयर्स जो है हो गया है इस चीज को होते हुए। और सबसे पहले इन्होंने खुद सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन जो है ये 1968 में इन्होंने सुहाली इंडियन बिल्ड बोर्ड पे जो है पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था, तब से ये इसको एज अ रेस उन्होंने स्टार्ट किया और शुरू किया और हर साल ये होता है। इसमें आपके पास किसी भी प्रकार का ग्लोबल पोजनिंग सिस्टम या कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती है, आपको तारे वारे देख करके उस हिसाब से सेलिंग करना पड़ता है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि गोल्डन ग्लोब रेस में इकलौते एशियन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन है, तो इंडियन नेवी के कमांडर अभिलाष टॉमी है, ठीक है, गोल्डन ग्लोब से। और इसमें ये सब ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आप ये जहाज का नाम याद रख सकते हैं, नेवी वगैरह का क्वेश्चन होता है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नेवी वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आगे हमारा जो तीसरा नंबर का है, 2 जुलाई में 9th मीटिंग ऑफ EPG ऑन इंडो नेपाल रिलेशन कंक्लूड्स इन काठमांडू, मतलब कि इंडिया नेपाल के रिलेशन में एक जो है एमिनेंट पर्सन ग्रुप का एक मीटिंग होता है। ये मीटिंग होता है जो हमारे भारत और नेपाल के बीच 1950 में पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, जिसमें हम ट्रेड ट्रांजिट और बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1950 में इंडिया नेपाल ने एक ट्रीटी की थी जिसके द्वारा हम लोग बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के नेपाल आते जाते हैं, साथ में हमारा ट्रेड होता है, हमारी गाड़ियाँ भी वहाँ चली जाती है वहाँ का टेम्परेरी नंबर लगा करके बॉर्डर से। तो ये सब जो हुआ था इसका जो है रिव्यू होता है, तो इसकी 9th मीटिंग हुई थी और इसका रिव्यू किया गया था और उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट बस यही है कि ये कहाँ पे हुई, ये हुई काठमांडू में हुई, ठीक है। उसके बाद आपका है केरला गवर्नमेंट डिक्लेयर्स खोजी खोडे एंड मलापुरम डिस्ट्रिक्ट फ्री फ्रॉम निपाह वायरस। निपाह वायरस ये सुअर पिक जो होता है जानवर, जैसे हमारा वो आया था H1N1 स्वाइन फ्लू, वैसे ही एक तरह का वायरस है, ये भी उसी पिक के द्वारा होता है। सबसे पहले ये मलेशिया में हुआ था एक निपाह नाम की जगह में एक व्यक्ति को, तो इसीलिए इसका नाम निपाह वायरस रख दिया गया है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की कुछ खास जरूरत नहीं, बस याद रखिए कि किस गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया कि उनका जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो इस वायरस से फ्री हो गए, तो वो केरला गवर्नमेंट के थे। निपाह वायरस किससे होता है, वो पिक से होता है, कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले मलेशिया में हुआ था, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को, ये नीचे मैंने 2 जुलाई में लिख दिया इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। तो नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व हर साल 1 जुलाई को किया जाता है, ये एक तरह से ग्रेटिट्यूड हम एक्सप्रेस करते हैं। एक बहुत ही अच्छे आदमी थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, ये पश्चिम बंगाल जो हमारा है आज का, इसके दूसरे मुख्यमंत्री थे बंगाल, वेस्ट बंगाल सेकेंड चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों 1 जुलाई को ही है, मतलब बहुत ही कोइंसिडेंस वाली बात है, लेकिन ये अच्छी मतलब जो भी है, 1 जुलाई को ही इन्होंने पैदा हुए थे और मरे थे। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो थे इन्होंने इनका नेशनल डॉक्टर्स डे इनके ऊपर जो मनाया था उसको मनाया, और इसका जो थीम रखा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थीम, किसी भी इंपॉर्टेंट डे का, जैसे नेशनल डॉक्टर्स डे आपका कब मनाया जाता है ये याद आपको रखना है कि ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया जाता है। वो कौन थे, वो बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, और साथ में जो कि थीम 2018 की थी वो क्या थी, तो थीम थी 0 tolerance to violence against doctors and clinical establishment। तो ये एक तरह से सेल्फिशनेस का मुझे इसमें वो लगता है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग डॉक्टर्स को मारपीट दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा करके सामान का नुकसान कर दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स और सरकारी अस्पतालों में आई जब जानते हैं कैसे डॉक्टर्स बिहेव करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं, तो उस पर लोग गुस्सा में आकर ऐसा कर देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने ये थीम रख दिया है। उसके बाद आपका 6वां है मैन्युफैक्चरिंग PMI, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये पर्चिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, तो इसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6 मंथ की सबसे हाई रही है। हमारा जो जो है अकॉर्डिंग टू निकेई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स कंपाइल्ड बाय IHS मार्केट, ये आपको याद रखना है किसके द्वारा कंपाइल किया गया, IHS मार्केट, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जंप्स टू 6 मंथ हाई इन जून 2018। तो मतलब जो ग्रोथ थी वो 6 महीने की हाई पे जून पे चली गई और वो थी
53.1, तो कितनी इंडेक्स थी 53.1, आप याद रखना इसकी इंडेक्स कितनी थी 53.1 में, बार बार इसीलिए इसे बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। उससे पहले मई में जो है थी ये 15.2 थी और हाईएस्ट जो थी वो दिसंबर में, ये दिसंबर के बाद से मतलब ये अब तक की हाईएस्ट थी। और उसके बाद ये 11वां कंसेक्यूटिव मंथ है कि हमारा जो है पीएमआई इंडेक्स जो ये है वो 50 पॉइंट के ऊपर मार्क कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पीएमआई के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और डीप में, तो आप ये वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद 7वां आता है रविंद्र ढोलकिया कमेटी, एक बनाई गई है। रविंद्र ढोलकिया आईआईएम के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इनको गवर्नमेंट ने एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया है जिसमें ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इकोनॉमिक डाटा होता है उसका कलेक्शन कैसे किया जाएगा, उसके कलेक्शन में मतलब क्या हम सुधार कर सकते हैं, तो कलेक्शन तो अभी भी होता है एनएसएसओ और पता नहीं क्या क्या है उसके द्वारा, तो उसमें इनको हेड कर दिया गया। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ, कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 13 मेंबर कमेटी फॉर सब नेशनल अकाउंट्स टू अपग्रेड द नॉर्म्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक डाटा एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन बैकड्रॉप ऑफ प्लान्स टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर नेशनल अकाउंट्स और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, तो इन सब के आधार पर ये जो है सारा किया जाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे इकोनॉमिक डाटा कलेक्शन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, तो वो थी रविंद्र ढोलकिया कमेटी। रविंद्र ढोलकिया कौन है, वो आईआईएम अहमदाबाद के पुराने आईआईएम अहमदाबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक खबर है, मैंने इसको इसमें इसलिए शामिल किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम अटेंडेंट और चैम्बर अटेंडेंट का जो है एग्जाम आने वाला है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है डेडलाइन थी जो असम नेशनल रजिस्टर है सिटीजन्स का, उसके फाइनल ड्राफ्टिंग की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। देखिए असम नेशनल रजिस्टर क्या है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। जब हमारा देश जो है 1951 में हम लोगों ने एक रजिस्टर बनाया था नेशनल रजिस्टर, जिसमें मतलब कि कौन कहाँ रहता है, कौन किस हर मतलब हर सिटीजन की जो है इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1971 में जो है हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया और जिसमें बांग्लादेश और इंडिया आ गया, तो बांग्लादेश और इंडिया के बहुत सारे लोग एक दूसरे देश में इलीगली घुस गए, जैसे कि बांग्लादेश में के सारे लोग असम वगैरह में जाके फंस गए, तो वहाँ पर उनकी पहचान के लिए असम नेशनल रजिस्टर का जो है उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें वही लोग हैं जैसे कि लास्ट टाइम अपडेट हुआ था। अभी हम इसको देखते हैं, इट वॉज फर्स्ट अपडेटेड इन 1951 और उसके बाद इट हैज नॉट बीन अपडेटेड ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल टेंशन सच एज असम मूवमेंट 1980 में जो हुआ उसकी वजह से ये अपडेटेड तब से नहीं हो पाया है। उसके बाद लैंग्वेज मूवमेंट आया, एथनिक मूवमेंट आया, कई सारी चीज़ें चलती रह गई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2014 में कि हम 1985 का जो रिकॉर्ड है उसको जो है टैकल द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेशी वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं 1985 या उसके पहले उसके आसपास से, उन लोगों की को मतलब आइडेंटिफाई करके उनके घर वापस भेजने के लिए ये सब हो रहा है। तो एनआरसी इज बीइंग अपडेटेड एज पर प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल 2003 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या था कि जो इसमें 1951 में आते हैं उनको इलेक्ट्रल रोल्स जो है कि 1971 की मिडनाइट के पहले जिनका नाम था उनके डिपेंडेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को ही अब सिटीजन माना जाएगा असम का। उसके अलावा जो है वो सब अब बांग्लादेश में शायद भेज दिया जाए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम टेकिंग चीज़ होता है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ की डेडलाइन एक्सटेंड की है, वो है असम नेशनल रजिस्टर, और असम का नेशनल रजिस्टर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये आप देखिए पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम अर्लियर June 13, 2018 टू 31 जुलाई 2018। ठीक है, इसके बाद इस हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 जुलाई में। तो 3 जुलाई में लेगाट्रिक्स एनआरएल इन असम बिकम्स फर्स्ट ऑयल पीएसयू टू अडॉप्ट ऑनलाइन लीगल कंप्लायंस सिस्टम। तो ये पीएसयू है, ये गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि रिफाइनरी है एक तरह से। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है नूमा अलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, लुमानीगढ़ एक जगह का नाम है, रिफाइनरी लिमिटेड यहाँ पर एक रिफाइनरी है जिसका जो है स्टेक 61.65% भारत पेट्रोलियम के पास है, 26% ऑयल इंडिया के पास है, उसके बाद बचे हुए 12.35%
वो गवर्नमेंट ऑफ आसाम के पास है और ये 3 मिलियन मीट्रिक टन जो है पर ईयर इसकी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। तो इसमें क्या है, आईटी, लेबर, टैक्सेशन, कमर्शियल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कॉर्पोरेट लॉ और अदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज, ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, ये पूरी तरह से अब डिजिटल हो गया है इसीलिए। और ये इंडिया का पहला ऐसा पीएसयू आसाम का है जो कि रेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी में ऑनलाइन लीगल कंप्लायंस सिस्टम जिसने पूरा पूरी तरह से फॉलो कर लिया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, लेगाट्रिक्स। लेगाट्रिक्स क्या है, ये एक ऑनलाइन लीगल कंप्लायंस सिस्टम है और किसको, इसको किसने अडॉप्ट किया है, इसको पीएसयू जो कि आसाम में है एनएलआर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड उसने, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर्स 3.6 ग्रोथ इन मई 2018। तो मई 2018 में जो हमारा 8 कोर इंडस्ट्री, अब आप 8 कोर इंडस्ट्री भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, 8 कोर इंडस्ट्री में देखिए हमारी जो कुछ इंडस्ट्रियाँ आपको मैं बता देता हूँ 8 कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। देखिए 8 कोर इंडस्ट्री में हमारा आता है कोल, कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ रजिस्टर की गई है वो मई महीने में 3.6% थी। ये चूँकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि ये घट गई है, आपका अप्रैल और में आपका ये 4.6% था, उसके बाद जो है कम हो गया ये, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी खासी ग्रोथ है। तो आपको बस यही याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, किसने रिलीज किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द ग्रोथ ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैड ड्रॉप्ड टू 10 मंथ लो, मतलब ये 10 महीने का सबसे लो है 3.6 इन मई 2018, टू डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। बाकी आप ये पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर आपको डीप में जानना हो, 8 कोर इंडस्ट्री में मैंने आपको बता दी है। और जो आपकी 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ये जो है ये 40.27% टोटल इंडेक्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टोटल इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये 40.27% कंट्रीब्यूट कंस्टिट्यूट या कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आपका अगला है 5th RCEP इंटर रिलेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन टोक्यो जापान। तो ये एक तरह का मिनिस्ट्रियल मीटिंग होता है, इसका जो इस बार अध्यक्षता किया है वो किया है टोक्यो के मिनिस्टर और साथ में शायद चाइना के मिनिस्टर थे या फिर शायद थाईलैंड या मलेशिया के मिनिस्टर थे, मैं उतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है 10 ASEAN हमारी कंट्रीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि ASEAN कंट्रीज़ क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में लेवल लेवल पूछा जाता है। तो आपकी 10 ASEAN कंट्रीज़ हैं ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद इस 6 FTA पार्टनर्स इसके जो हैं, जो कि मतलब ट्रेड पार्टनर्स जिनको हम कह सकते हैं, फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं इनके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, चाइना, जापान और कोरिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया भी फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट में पार्टनर में आता है, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने कुछ अपना वो किया है और इसमें इंडिया ने अपना कुछ कट डाउन किया है, जो ट्रेड के लिए उनके चार्जेस वगैरह होते हैं, चीज़ों को डिस्काउंट थोड़ा दिया है। और ये जो आपका कॉरिडोर या फिर ये जो आपकी कंट्रीज जो रिप्रेजेंट करती है सारा मिला करके, ये पूरे दुनिया का 29% जो है वर्ल्ड ट्रेड इसमें आता है और ये पूरे दुनिया की 38% इकोनॉमी इसी ट्रेड पर निर्भर करती है। तो निगोसिएशंस वर फॉर्मली लॉन्च्ड बाय 2002 ASEAN समिट इन कंबोडिया, कंबोडिया में हुआ था 2012 ASEAN समिट। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ASEAN समिट वगैरह होते हैं ये कहाँ होते हैं, ठीक है। तो 16 RCEP मेंबर्स जो थे ये सारे 10 वो और 6 ये मिला करके 16 अकाउंटेड फॉर पॉपुलेशन ऑफ 3.4 बिलियन पीपल ऑफ द टोटल GDP ऑफ $49.5 trillion, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया, जो यहाँ पर पूरी पंचायत लिखी हुई है। उसके बाद अ प्रपोज्ड ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स सेवरल ASEAN एंड अमेरिकन नेशंस बट एक्सक्लूड्स इंडिया एंड चाइना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो 4th आपका है इंडिया टू प्रोवाइड ट्रेड कंसेशन टू ऑन 3,142 आइटम्स ऑन APTA मेंबर्स। तो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें इंडिया ने 3,142 जो आइटम्स हैं उन पे टैरिफ कंसेशन जो है कर दिया है। ये इसकी जो ये चीज़ आती है आपकी जो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये आती है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है UNESCAP, इसको बोल सकते हैं यूनिस्कैप,
for trade expansion through exchange of tariff concession among developing countries member of Asia Pacific region. तो इसमें आप बस ये आप पढ़ेंगे कितने आइटम्स 3142 ये किसके अंदर आता है यूनेस्कैप के अंदर आता है और इसका फुल फॉर्म क्या है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट बाकी इसमें कुछ खास नहीं है और इसमें जो है 6 मेंबर कंट्रीज हैं ये आप बहुत ध्यान रखिएगा बांग्लादेश चाइना इंडिया लाओस कोरिया एंड श्रीलंका जो कि यहाँ पर मेंशन है ठीक है बाकी आप डीप में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये पॉज करके पढ़ लीजिएगा उसके बाद हम आते हैं 4 जुलाई पे 4 जुलाई में पहली जो करंट अफेयर्स में आती है वो है जीनोमी वैली जो 2.0 बनने जा रही है तेलंगाना में उसके लिए गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको सिंगापुर के सरबाना जोरोंग ये कोहागी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो डेवलप करती है प्लानिंग करती है पूरी सिटी का उसको साथ इन्होंने वो कर लिया है इससे पहले एक जीनोमी वैली बनी थी जीनोमी वैली क्या है ये लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का क्लस्टर मतलब एक तरह से हब होता है जहाँ पर लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लगाई जाती है और लोग वहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर लगभग 200 कंपनियाँ और 10,000 एम्प्लॉइज पहले से काम कर रहे हैं जो पहली जीनोमी वैली बनी हुई है और ये इट इंक्लूड्स 6 ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज एंड 3 ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर पहले से ही प्लेस्ड है और उसके बाद जीनोमी 2.0 है तो इससे ज़्यादा ही एडवांस होगा जाहिर सी बात है तो बस इसमें आपको याद रखने को लिखा जाता है कि इसको कौन डेवलप करने जा रहा है किस कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है तो सिंगापुर से वैसे ये तेलंगाना के जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद तेजस आपको सबको पता होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे टीवी वगैरह देखते होंगे ये भारत का इंडिजीनियस फाइटर लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है लड़ाकू विमान इसको कहते हैं और इसको जो है सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से अब ये मतलब कि ऑफिशियली अपने ड्यूटी पर तैनात है आप ऐसा कह सकते हैं जो सुलूर में जो आपका नंबर 45 स्क्वाड्रन है उसका नाम है दी फ्लाइंग डैगर्स ओके और ये जो है तमिलनाडु में स्थित है और सुलूर नाम की जगह है सुलूर एयरफोर्स स्टेशन इन तमिलनाडु विद डिप्लॉयमेंट ऑफ तेजस दी स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स टुक अप एक्टिव वॉर टाइम रोल टूवर्ड्स सेफ गार्डिंग नेशन स्काई मतलब अभी एक्टिव वॉर टाइम रोल अदा करेगा अभी तक ये ट्रेनिंग वगैरह फेज में आप कह सकते हैं एक तरह से था ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि तेजस जो हमारा लाइटवेट कॉम्बैट व्हीकल है वो कहाँ पे तैनात किया गया तो है सुलूर एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे तमिलनाडु में तेजस एक सिंगल सीटर सिंगल इंजन बहुत ही ज्यादा मतलब दुनिया का सबसे लाइटवेट विमान है जो सुपरसोनिक है जो ध्वनि से भी तेज उड़ सकता है और इसकी मिनिमम रेंज होती है 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड भी अटैक वगैरह कर सकता है और इसको क्यों बनाया गया हमारे देश ने इसको क्यों तैयार किया क्योंकि MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत पुराने हो गए थे बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहे थे तो उनकी जो पूरी सीरीज है उसको चेंज करने के लिए उसको रिप्लेस करने के लिए जो कि 1980 से हमारे देश में चल रहे थे इसको बनाया किसकी मदद से गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसको हम लोग HAL या हाल भी कहते हैं उसके बाद LCA तेजस इज नॉट इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर जैसे कि अगर आपसे पूछ दे कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर इंडिजीनियस मतलब होता है देसी हिंदी में शुद्ध देसी अपने देश का बना हुआ वो फाइटर कौन सा था तो वो तेजस नहीं था बहुत सारे लोग तेजस मार के चले आते हैं वो था अप्रैल 1967 में जो है बनाया गया था मतलब जिसका वो हुआ था वो था HF-24 मारुत फाइटर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 17 न्यू बैफल फायरिंग रेंजेस क्या होते हैं आपको पता ही होगा जहाँ पर हम लोग निशानेबाजी करते हैं एक बड़ा सा हॉल ऑडिटोरियम टाइप का होता है एक तरफ टारगेट्स लगे होते हैं एक तरफ से आदमी जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं या फिर जो भी शूटर होता है वो शूट करता है तो बहुत सारे कंटोनमेंट्स इलाकों में जो ट्रेनिंग के दौरान और भी सारी जगहों पर कई लोग घायल हो जा रहे थे छर्रे इधर उधर उड़ के लोगों को लग जा रहे थे तो उसके लिए एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास का जो है 17 न्यू बैफल फायरिंग रेंज बनाया गया है जिसमें से एक आपका गया में जो आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है बिहार में उसमें भी बनाया जाएगा ठीक है उसके बाद है विश्वास पटेल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ये अगर आप ऑफ इंडिया लग गया तो यानी कि गवर्नमेंट की बॉडी है ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है इससे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर एक पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया है इन्होंने जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है मैटर्स को देखा जाएगा और विश्वास पटेल इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं कौन इसके अपॉइंटमेंट किए गए हैं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन विश्वास पटेल आपको ये याद रखना है उसके बाद किमिस आप इसे बोल सकते हैं कि IMIS KVIEC लॉन्च ई मार्केटिंग सिस्टम किमिस और इसका फुल फॉर्म अभी हम यहाँ देखते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC आप इसे पढ़िए KVIC
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक नया ई मार्केटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है खादी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है और ये बनाया गया है जो खादी से रिलेटेड बनी हुई चीज़ें होती हैं, हैंडमेड चीज़ें होती हैं जो गाँव वगैरह में बनाई जाती हैं, उसको मतलब कि ट्रेड में आसानी हो और वो सब मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि उसका जैसे कि KVI जो ये बॉडी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका 1956 एक्ट के द्वारा के माध्यम से स्थापना की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर जो है आती है, इसके काम क्या हैं ये सब आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं, आपको जानकारी ही होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो आधे घंटे का लगभग हो चुका है और अभी हमें जो है हमारा 75% अभी से खत्म हुआ है, तो हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। नीति आयोग टू ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट, तो इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल जो है समिट, मोबिलिटी समिट जो है नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये कब ऑर्गेनाइज किया गया, ये 7-8 सितंबर 2018 में होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरे इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपका जो इसकी इनॉग्रेशन होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे और इसको क्यों किया जा रहा है, इट विल हेल्प टू ड्राइव इंडियाज गोल्स फॉर व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन एंड जॉब ग्रोथ, दस स्पीडिंग अप इंडियाज ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो मोदी जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जिसको हम लोग जो है जानते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सोलर पैनल वगैरह को बहुत बढ़ाया है, सोलर अलायंस बनाया हुआ है, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आने वाले समय में देश के लिए, क्योंकि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है और जो कि हमारे और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं उनको हम यूज़ में ला रहे हैं। उसके बाद उरुग्वेज मेजर जनरल जॉस इलाडियो एलकाइन अपॉइंटेड हेड ऑफ UMMOGIP, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ये है। अब देखते हैं क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी कौन है समय, आप लोगों को पता होगा एंटोनियो गुटरेस, पहले कौन थे बान की मून, तो अभी है यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस। उन्होंने मेजर जनरल जोस एलाडियो अल्काइन जो कि उरुग्वियन आर्मी के हेड थे, हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर ऑफ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, इनको बनाया गया है ऑफ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है UMMOGIP का, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही विल सक्सीड मेजर जनरल पर गुस्ताफ लोडिन ऑफ स्वीडन, स्वीडन के इससे पहले थे मेजर जनरल पर गुस्ताफ लोडिन, जिन्होंने 2 ईयर असाइनमेंट अपना कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें देखिए एक जानने वाली बात दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है कि 1949 में यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने ये बनाया था जब हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बॉर्डर को लेकर के, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने एक शिमला एग्रीमेंट किया और लाहौर एग्रीमेंट भी एक है। तो जब हम लोगों ने शिमला एग्रीमेंट 1971 में एक साइन कर लिया तो उसके बाद इसकी ज़रूरत इंडिया के हिसाब से नहीं रह गई, क्योंकि इंडिया ने उस एग्रीमेंट में ये कहा कि हम LOC को फिलहाल लाइन ऑफ सीज फायर जो हम जहाँ पे करेंगे उसको मानेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो बायलैटरल होंगी, हम अपने मुद्दे को आपस में मिल बांट कर बात करके सुलझाएंगे, कोई तीसरा इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन UN का जो ये ऑब्जर्वर ग्रुप है ये ज़बरदस्ती घुसा हुआ है इस चीज़ में और ये कह रहा है कि ये आपके ख़त्म करने से नहीं होगा, ये हम जब तक इसको हम खुद सस्पेंड नहीं करते हैं तब तक चलता रहेगा। इसमें क्या होता है कि ये लोग कुछ लोगों को यहाँ अपॉइंट कर देते हैं जो कि नज़र रखते हैं कि जगहों पर जा जाकर के क्या यहाँ पर सीज़फ़ायर पहले हो रहा है, कैसे क्या सिचुएशंस है, किसी ने क्या कैंप लगाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी इसका स्वागत करता है पर इंडिया ऐसा कुछ नहीं करता है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इट कैन ओनली बी टर्मिनेटेड बाय डिसीजन ऑफ यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल आप लोगों को पता हुआ है कि 5 देशों का मनमाना काम यहाँ पर होता है। जो 1945 में जब UN यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई तो जो पावरफुल देश थे अपने आप को वहाँ पर जमा लिए, बैठा लिए, अब दूसरे को ऐड करना चाहते हैं ना और किसी को लाना चाहते हैं। इंडिया भी इसमें अपनी दावेदारी ठोक रहा है, लेकिन चूंकि इनके पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर होती ये होती है कि 5ों में से अगर किसी एक ने भी अपनी असहमति जताई तो फिर उस फैसले को नहीं लिया जाता और चाइना जो कि पाकिस्तान को जिसने अपना चमचा बना के रखा हुआ है वो बार बार टांग लड़ा देता है सारी चीज़ों में, इसीलिए पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है और वो कह रही है कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की ज़रूरत है, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे देश हैं
जो उसमें रहने लायक है। बाकी की सारी चीजें आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद सी विजिल नाम का एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च कर दिया है। ये इसलिए विजिल मतलब विजिलेंस होता है कि निगरानी रखना, नजर रखना। तो इसका मेन काम है, जैसे कि हमारे यहाँ देश में जानते ही हैं लोग बूथ फूट लेते हैं, झगड़े हो जाते हैं, झंझट हो जाते हैं, जबरदस्ती वोट डलवा दिए जाते हैं या फिर किसी और का वोट कोई और डाल देता है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बनाया है जो कि ऑनलाइन आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। ये ऐप सिर्फ उसी जगह में एक्टिवेट होगा जहाँ पर चुनाव हो रहे होंगे, और आप चुनाव के दौरान अगर कोई भी गड़बड़ी देखते हैं तो उसकी फोटो खींच के या फिर 2 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस पर अपलोड कर सकते हैं, और बाकी का सारा डाटा आपकी लोकेशन वगैरह आपके ऑथेंटिकेशन के लिए वो सब अपने आप उस ऐप के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को पहुंच जाएंगे और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन ले पाएगा। उसके बाद 4 जुलाई 2018 का देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव अम्ब्रेला स्कीम फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपेट्रिएट्स। तो इसमें क्या है, यूनियन कैबिनेट जो अपनी है उसको उसने अप्रूव कर दिया है एक स्कीम को जिसमें 8 एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जिसने मार्च 2020 तक जो हमारे माइग्रेंट्स और रिहैबिलिटेशन के लिए उनको रिलीफ के लिए उनको एक अच्छा रोजगार देने के लिए मतलब उनकी आमदनी कर सकें वो सब करने के लिए एक नया तरह का जो है स्कीम जो है लॉन्च किया है। तो इस अम्ब्रेला स्कीम इसका नाम है। तो अम्ब्रेला स्कीम आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है क्या है, ठीक है। और इसमें देखिए 8 जो है आपके इसमें कैसे लोगों का रिहैबिलिटेशन और रिलीफ दिया जाएगा वो है रिफ्यूजीज, डिस्प्लेस्ड पर्सन, सिविलियन विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट कम्युनल कम्युनल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस एंड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड माइन एंड आईडी ब्लास्ट ऑन इंडियन टेरिटरीज एंड विक्टिम्स ऑफ वेरियस इंसिडेंट्स। तो इतने तरह के इंसिडेंट्स के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए ये स्कीम है। इसमें 8 तरह के पॉइंट्स हैं, वो 8 तरह के पॉइंट्स देखिए यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सेंट्रल असिस्टेंस फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज फ्रॉम पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड चाम सेटल्ड इन JAK। उसके बाद रिहैबिलिटेशन पैकेज जो है वो अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेशी इनक्लेव्स एंड कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अंडर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में बहुत सारे लोगों का घर चला गया वो बांग्लादेश में, तो उनके लिए नया जो है बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, ये वो चीज़ है। उसके बाद रिलीफ असिस्टेंट ऑफ श्रीलंकन रिफ्यूजीज स्टेइंग इन कैंप्स इन तमिलनाडु एंड उड़ीसा। तो जो उड़ीसा और तमिलनाडु में हमारे रिफ्यूजीज रह रहे हैं उनको भी जो है मदद की जाएगी। इसी तरह के 8 पॉइंट्स हैं, ग्रांट इन एड ऑफ सेंट्रल तिब्बतियन रिलीफ कमेटी फॉर 5 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वेलफेयर एक्सपेंशन ऑफ तिब्बतियन सेटलमेंट। उसके बाद ग्रांट इन एड मतलब होता है सहायता देना या प्रदान करना त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रश लॉस्ट इन रिलीफ कैंपस ऑफ त्रिपुरा। उसके बाद रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रू एंड रियांग फैमिलीज फॉर त्रिपुरा एंड मिजोरम के फैमिलीज में भी उनको जो है रिहैबिलिटेट किया जाएगा। उसके बाद 5 लाख रुपए पर डिसीज्ड पर्सन भी ग्रांट किया गया है जो कि एंटी सिख राइट्स 1984 में जो मारे गए हैं उनके अलावा। सेंट्रल स्कीम फॉर असिस्टेंट फॉर सिविल विक्टिम फैमिली एंड विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट कम्युनल एलवी वायलेंस एंड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड माइनिंग एंड आईडी ब्लास्ट ऑन इंडियन टेरिटरी। तो ये सब आप एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत ढेर सारे कमेंट्स आने लगे हैं। पहले मुझे एक कमेंट भी आता था तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मुझे सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं इसलिए मैं सारे कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ और बहुत सारे लोगों के जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं सभी लोगों के जवाब और डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर में मत पड़िए, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप के लिए परेशान हैं। आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें आपस में अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करिए क्योंकि एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद संबल स्कीम चलाई गई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब्सिडाइज 200 रुपये पर महीने बिजली देंगे जो है पुअर फैमिली जो BPL कार्ड धारक होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो होते हैं गरीबी रेखा के नीचे उन लोगों को 200 रुपये महीने में ये संबल योजना के तहत बिजली प्रोवाइड कराएंगे। ये भी गवर्नमेंट MP गवर्नमेंट की बात है तो MP के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ स्कीम ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिलीजन रूरल बैंक। तो रिलीजन रूरल बैंक जो होते हैं हर जगह सरकारी बैंक्स जो होते हैं ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको हम कह सकते हैं जैसे काशी कोमती ग्रामीण बैंक यहाँ बनारस का है वैसे ही हर जगह होता है, उसको जो है एक्सटेंशन का जो है एक तरह से अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने एक स्कीम बनाकर। उसके बाद कैबिनेट अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ अगरतला एयरपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगरतला एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगरतला कहाँ की राजधानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो त्रिपुरा की, और त्रिपुरा क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिपुरा भारत का इकलौता ऐसा देश है जो 3 तरफ से एक देश से घिरा हुआ है और वो है बांग्लादेश,
और सिर्फ एक ही तरफ से अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको पूरा 7 सिस्टर्स को पार करके जो है जाना पड़ेगा सिक्किम वगैरह के थ्रू होते हुए। आप डायरेक्ट बंगाल से त्रिपुरा नहीं जा सकते, जबकि वो बहुत ही छोटा रास्ता अगर आप बांग्लादेश से होते हुए जाए, तो इसीलिए बहुत सारे लोग एयरपोर्ट का यहाँ पर यूज़ करते हैं। और एयरपोर्ट जो का नाम जो है अगरतला एयरपोर्ट का नाम अब रख दिया गया है महाराजा वीर विक्रम मानिकिया किशोर एयरपोर्ट, क्योंकि यही वो महाराजा है जिसने 1942 में अपनी जमीन दान की थी जो है इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, बस यही याद रखना है कि महाराजा वीर विक्रम मानिक्य किशोर एयरपोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है। इन्होंने 1962 में जमीन दान की थी और ये उस समय के राजा थे। इनका जन्म 1900 ही वॉज द किंग थे 1923 से लेकर 1947 तक, जब तक कि वो इंडिया में मर्ज नहीं हो गया, और त्रिपुरा के लोगों और वहाँ के नेताओं की मांग थी तो इसको कर दिया गया है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड वगैरह है ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा देर रोक देता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाए। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी कैबिनेट अप्रूव, देखिए सफाई कर्मचारियों का जो नेशनल कमीशन था वो पहले से था, वहाँ पर एक प्रेसिडेंट होते थे, 5 मेंबर होते थे, लेकिन अब जो वहाँ पर क्या कर दिया गया है कि अब एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। ठीक है, एक प्रेसिडेंट जो होता था वो तो होगा ही, साथ में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और एक मेंबर भी होगा। तो इसमें मैंने एक चीज थोड़ी गलत बता दी थी, इसमें आपका 4 मेंबर पहले थे तो एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ आपका एक मेंबर भी बढ़। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि आपका पहले 4 मेंबर थे, अब हो गए 5 मेंबर, और एक चेयरपर्सन पहले भी था, एक चेयरपर्सन अभी भी है, और एक वन वाइस पर्सन भी है। बाकी ये सब क्या है इसका आप इतिहास भूगोल ये दिया हुआ है सामने पढ़ लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स एसोसिएशन ऑफ विपो कॉपीराइट ट्रिटी एंड विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रिटी। तो फोनोग्राम होते हैं ये साउंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह को बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की ट्रिटी है जो कि कई देशों के बीच हुई है कि वो आपस में जो कॉपीराइट मटेरियल होते हैं, जो ओरिजिनल क्रिएटर होते हैं, उनके जो है हित को बनाए रखें, कोई उनका यूज ना कर पाए, और अगर यूज करता भी है तो उससे रॉयल्टी वसूली जाए। ये सब तरह के नियम कानून है, तो आपको इसमें बस यही याद रखना है कि कैबिनेट ने इंडिया की कैबिनेट ने जो है अप्रूव कर दिया है एसोसिएशन ऑफ टू विपो कॉपीराइट ट्रिटी और विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफ्स ट्रिटी। ठीक है, उसके बाद NBWL एड्स 4 स्पाइसेस इन स्पीसीज इन रिकवरी प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ठीक है, 4 स्पीसीज हैं हमारी जो प्रजातियां हैं वो डेंजर में हैं, उनके जो है रिकवरी के लिए हम लोगों ने, हमारे देश ने जो है काम करना शुरू कर दिया है। किसने शुरू कर दिया है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने एक कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, जिसमें देखिए ये 4 तरह की स्पेसीज हैं, नॉर्दर्न रिवर थेरापिन, क्लाउडेड लेपर्ड, अरेबियन सी हम्पबैक वेल एंड रेड पांडा। ये इस 4 तरह की स्पेसीज हैं, कि फैक्ट्स उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनकी क्या खासियत है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब तक जो है 17 स्पेसीज हैं जिनको रिकवरी प्रोग्राम के अंडर में रखा गया है। उसमें आपका स्नो लेपर्ड आता है, बस्टर्ड आता है, डॉल्फिन आती हैं, नीलगिरी थार आता है, हंगाउल आता है, मरीन टर्टल्स आते हैं, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट आती है, डागोन डुगोनगस, अजीब सा नाम है ये, वे भी आता है, एशियन वाइल्ड बफेलो आते हैं, निकोबार मेगा पोड आते हैं, मणिपुर बोरो अल्टरनेट डियर भी आते हैं, तो मतलब काफ़ी कठिन नाम है। इंडियन राइनोसोरस आता है, एशियाटिक लायन आता है, स्वैम डियर एंड जॉर्डियन कर सकता। तो इतना ज़्यादा आपको पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये 4 तरह के नाम याद रख लीजिए, लेपर्ड, ट्रैम्प, थेराफिन और वेल और रेड पांडा, क्योंकि ये एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कैबिनेट ने जो है डीएनए टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर दिया है। अब ये डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि डीएनए पूरा बैंक एक तरह से तैयार कर दिया जाएगा, जिसमें सभी लोगों के डीएनए होंगे, और इमरजेंसी केस में किसी भी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी गुमशुदा आदमी को खोजने के लिए हम डायरेक्ट उसके डीएनए से उसका पता लगा सकते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं, या फिर उसने किया है कि नहीं क्राइम किया है। तो बहुत सारे केसेस में आप देखते होंगे न्यूज़ में आता था कि डीएनए जांच की लोग डिमांड कर देते थे, तो ऐसा आसान नहीं होता था, लेकिन अब ये एक तरह से पूरा ये सैंपल्स लेके कलेक्ट करेंगे और डाटा को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखा जाएगा, कोई लीक नहीं कर सकता। अगर लीक करेगा तो उसको 1 लाख रुपए तक की फाइन या फिर 3 साल तक का जेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 5
5 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आए होंगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके दिमाग में घुस रही होगी। अगर घुस रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए कि नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ये आप लोगों के काम आ रही है। लगभग 45 मिनट का ये वीडियो हो गया है जो कि बहुत लंबा है, लेकिन इन 45 मिनट को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसे ज़रूर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब आप पे निर्भर करता है कि मैं अगला वीडियो कब डालूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो जल्दी डालूंगा, नहीं तो हो सकता है कुछ टाइम लग जाए क्योंकि मुझे और भी कुछ काम, आजकल इस समय मैं बिजी हो गया हूँ थोड़ा, मैं भी पढ़ता लिखता हूँ तो उससे रिलेटेड काम है, मेरा एक एग्जाम भी आ गया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतने ही, थैंक यू, धन्यवाद। माता भारत माता की जय, जय हिंद। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए।